नमस्कार दोस्तों मैं हयात मोहम्मद टेक्निकल जैन चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज का वीडियो दिसंबर महीने में लॉन्च होने वाले कुछ मोबाइल फ़ोन्स के बारे में है चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेलाइकन को ऑन कर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके पहली लिख सामने निकल के आई है माइक्रोमैक्स की तरफ से जो माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी है माइक्रोमैक्स इन नोट टू फाइव जी जो एक 5G फोन होने वाला है अभी तक इसका कोई डिटेल सामने नहीं आया है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह एक 5G फोन है और इसमें फुल एच प्लस आई डिस्प्ले और 5000 हज़ार की बैटरी होने वाली है यह दिसंबर के एंड तक लॉन्च हो सकता है स्वामी की तरफ से दो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है सामी रेडमी नोट अलेवन आई और स्वामी रेडमी नोट अलेवन हाईपर चार्ज के नाम से लॉन्च होगा जो कि एक 5G फोन होगा सामी के पिछले दो स्मार्टफोन रेडमी नोट टेन प्रो और रेडमी नोट टेन प्रो मैक्स इंडिया में धूम मचा दिया था इसके स्पेसिफिकेशन इस को देखते हुए इंडिया के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पंद्रह से बीस हज़ार के रेंज में आने वाला फ़ोन है आगे देखते हैं कि यह किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा वैसे दिसंबर के इंड तक पूरा अनुमान लगाया जा रहा है लॉन्च हो जाएगा अगला है रियल की तरफ से वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के एंड तक दो से तीन फ़ोन लॉन्च कर सकता है वैसे तो दो फ़ोन तो कंफर्म है एक रियल मी नार्जो फिफ्टी ए प्राइम और दूसरा रियल मी सी थर्टी फाइव जो एक मिड रेंज फ़ोन होने वाला है वैसे उम्मीद जताया जा रहा है कि ये बारह से चौदह हज़ार के रेंज में आने वाला है और तीसरा फ़ोन है रियल मी नाइन सीरीज का जो कि हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो आगे देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा इसके डिटेल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सामने नहीं आया है उम्मीद जताया जा रहा है कि यह फुल एच प्लस आई डिस्प्ले होगा जो पाँच हजार एम बैटरी के साथ होगा अगला फ़ोन लॉन्च होने वाला है पोको की तरफ से पोको एम फोर प्रो फाइव जो एक फाइव फोन होने वाला है यह फ़ोन रेडमी नोट अलेवन टी का रई है आगे देखते हैं यह फ़ोन इंडिया में कब लॉन्च होगा वैसे उम्मीद जताया जा रहा है कि यह दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा आगे लॉन्च होने के बाद देखते हैं कि दोनों फ़ोन्स Redmi Note अलेवन टी और पोको एम फोर प्रो फाइव जी में क्या चेंजिंग होगा या कुछ नहीं कि सेम टू सेम फ़ोन वैसे ही रहेगा इस प्राइस के बारे में अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है वैसे अगला खबर आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से इसके दो स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं पहला है इन्फिनिक्स नोट अलेवन और नोट अलेवन प्रो जो कि यह फाइव जी फ़ोन है वैसे इन्फिनिक्स के फ़ोन प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होता है वैसे अनुमान है कि यह फुल एच डी सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ आएगा वैसे अनुमान है यह तेरह चौदह हज़ार के प्राइस पॉइंट पे आएगा आगे देखते हैं यह किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा ये उम्मीद जताया जा रहा है कि यह दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकता है ये कुछ फोन्स थे जो दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाले हैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके